नमस्कार दोस्तों दोस्तों 9.1 एक्सरसाइज आपकी चल रही थी और क्वेश्चन नंबर 14 आज हमें करना है क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टिक कर लीजिए। ये बहुत बार पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आपको बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, देखो जी सीन बनाते हैं पहले ग्राउंड पे। ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। द हाइट ऑफ द गर्ल इज गिवन 1.2 मीटर। स्पोर्ट्स ए बैलून, यानी कि वो जो गर्ल है वो क्या कर रही है, वो बैलून को देख रही है। मूविंग विद द विंड, बैलून क्या कर रहा है, हवा के साथ मूव कर रहा है। इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, अब एक बात ध्यान रखना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है, ये जो यहां वर्ड लिख दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो बैलून है ना वो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ऐसे वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है, ऐसे ऊपर नहीं जा रहा। समझ रहे हो बात, कि जब हवा के साथ वो मूव कर रहा है आगे तो उसकी हाइट ऊपर या नीचे नहीं हो रही, बैलून ऊपर नहीं जा रहा, बैलून सिर्फ साइड में जा रहा है, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी है। तो एक बात समझिए, आप मान लीजिए ये बैलून है दोस्तों, ठीक है, ये गर्ल क्या कर रही है, इस बैलून को देख रही है। अब ये हवा के साथ ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से, तो उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही, पहले भी वो इसी हाइट में था, अब भी वो इसी हाइट में है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड। मान लो पहले बैलून यहां था फिर यहां आ गया। इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि बैलून की ग्राउंड से हाइट कितनी है 88.2 मीटर। तो दोस्तों ये जो हाइट है, दोनों हाइट आप सेम बनाओगे क्योंकि बैलून हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टली का मतलब उसकी हाइट जो है वो ऊपर या नीचे नहीं हो रही, इस लाइन के ऊपर मूव वो कर रहा है। तो ये आपका 88.2 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 88.2 मीटर। समझ रहे हो, ग्राउंड से बैलून की हाइट जो है वो 88.2 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, यानी कि वो स्टार्टिंग में जब गर्ल उसको देख रही है, एट एनी इंस्टेंट का मतलब फर्स्ट इंस्टेंट, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। और ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एंगल, ये जो लाइन है ग्राउंड पे, अगर एंगल ना बन रहा हो तो आपको उसके एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो कहां से बन रहा है, आईज ऑफ द गर्ल से बन रहा है। तो आईज जो है वो ग्राउंड से कितनी ऊंची, 1.2 मीटर, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी है। आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि बैलून यहां से यहां आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, अब एंगल आईज से जो एंगल है वो कम हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री। ये लो जी, ये एंगल बन गया 30 डिग्री छोटे वाला, और ये ग्राउंड का लेवल जो है उसके हम पैरेलल एक लाइन और बना लेते हैं जो आईज के लेवल तक है। अब आपके सामने जो डायग्राम है, जो फिगर है, जो सीन है वो बन के तैयार हो गया कि ये बैलून था, ये गर्ल उसको देख रही है, तो एंगल बन रहा था 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद बैलून यहाँ से यहाँ आ गया तो एंगल जो है वो कम हो गया, पहले 60 था अब क्या हो गया 30 डिग्री। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्राइंगल ले लिए हमने, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, दोनों का पहले क्या करते हैं, नामकरण कर दें, नेमिंग कर दें इनकी। तो ये दोस्तों ये ABC ट्राइंगल हो गया और ये आपका DC यानी कि नेमिंग करनी पड़ेगी अलग। तो ये DEC, ये दूसरा ट्राइंगल आपका इस तरीके से DEC बन गया। अब देखिए कोई सा भी ट्राइंगल हम पहले यूज कर सकते हैं, तो पहले मैं स्मॉलर ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ। एक बात का खास ध्यान रखना है, मैं अभी आपसे पूछूंगा दोस्तों। तो इन ट्राइंगल ABC आई विल यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 10 थीटा। एक बात का खास ध्यान रखें, क्वेश्चन पढ़ लें कि फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये बलून यहां से यहां गया तो कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, ये देखो यहां से यहां गया, या ये कह दो यहां से यहां गया, एक ही बात है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या आपका बेस है। सो परपेंडिकुलर इज, अब मैं आपसे यही बात पूछ रहा था दोस्तों कि परपेंडिकुलर कितना है आपके पास। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर 88.2 मीटर, तो मैं बोलूंगा गलत है ये 88.2। कैसे गलत है, ध्यान से देखिए, 88.2 जो है वो ए पॉइंट से लेके बिल्कुल ग्राउंड तक है और ट्राइंगल में बी पॉइंट तक ही है। इन ट्राइंगल ABC
ए बी सी, ट्रायंगल में बी पॉइंट तक ही है सिर्फ, ग्राउंड तक नहीं है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, 88.2 मीटर में से ये जो गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर, दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगी 87 मीटर, यानी कि बैलून से आईज के हॉरिजॉन्टल लेवल तक जो हाइट है ये आपकी 87 रह जाएगी। तो यूज हम कौन सी करेंगे, 87 ना कि 88.2। ये बात आपको समझ में आ गई कि हम ये 87 यूज क्यों करेंगे, नहीं आई है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। परपेंडिकुलर आपका रहेगा दोस्तों 87 और बेस रहेगा BC, बेस हमें पता नहीं है दोस्तों, बेस रहेगा हमारा BC इज इक्वल टू क्या 10। अब एंगल कौन सा, एंगल इज 60 डिग्री, एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो 87 अपॉन BC इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 87 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू BC। ये हमारे पास बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल का क्या आ गया, बेस आ गया BC। अब मैं क्या करूंगा, बड़े ट्रायंगल का बेस फाइंड करूंगा CE, ठीक है। फिर बड़े में से छोटे वाला अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा BE। BE का मतलब ये चीज, बैलून यहां से यहां तक चल के आया B से लेके E तक, तो ये हमें फाइंड करना है। एक ट्रायंगल हो गया, दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो इन विच ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बोलिए DEC, इन ट्रायंगल DEC, ये जो ट्रायंगल है इसमें भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज परपेंडिकुलर, देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर DE तक है, D से लेके नीचे ग्राउंड लेवल तक नहीं है, तो DE कितना है हमारा 87 और बेस, बेस कितना है CE, कितना है CE, तो CE लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू 10 30, तो 87 अपॉन CE इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 87 इंटू अंडर रूट 3 क्या बन जाएगा CE। ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, 87 इंटू अंडर रूट 3 आपके पास है, इक्वल में CE है, CE को मैं क्या लिख सकता हूं, CB प्लस BE, समझ रहे हो, CB प्लस BE। अब इन दोनों में से आपके पास जिस चीज की वैल्यू है वो पुट कर दो। देखिए ध्यान से, 87 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू CB, CB आपके पास क्या है 87 अपॉन अंडर रूट 3, 87 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस BE, समझ रहे हो, BC की वैल्यू मेरे पास पड़ी थी और BE मेरे को फाइंड करना है, ये BE ही तो फाइंड करना है, BE फाइंड करना है आप लोगों को, ठीक है। ये पार्ट इधर आके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 87 अंडर रूट 3 माइनस 87 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल में क्या रह जाएगा दोस्तों, BE। अब एक बात बताऊं आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए, जो चीज़ आपको सेम दिख रही होती है ना उसको कॉमन ले लो, 87 यहाँ दिख रहा है, 87 यहाँ दिख रहा है, कॉमन ले लो इस चीज़ को, आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी। 87 आ गया बाहर, यहाँ बच गया क्या अंडर रूट 3 और यहाँ बच गया 1/√3, ठीक है ना, और इक्वल में क्या बच गया आपके पास BE, इक्वल में अपने पास क्या बच गया BE बच गया। इसका LCM ले लो, 87 रूट 3 का रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, इट विल बी 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और इक्वल में क्या आ गया BE, 87 इंटू 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू BE, समझ रहे हो। इसको यहाँ छोड़ भी सकते हो, नहीं छोड़ना चाहते हो तो ऊपर नीचे किस चीज़ का मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 3 का, चलो वो भी कर देते हैं, 87 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 रूट 3, समझ रहे हो, रूट 3 का ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल में क्या बन गया BE। अब ध्यान से देखना, ये क्या बन गया रूट 3 इंटू रूट 3, दिस इज 3 बन गया, तो 87 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या BE, ये अपने पास 3 बन गया। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा था इतनी देर, अब इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि अब ये कट जाएगा, देखो 3 बन जा 3 और 29 3 जा 87 होता है, 29 3 जा क्या 29 थी है 329 थी है क्या होता है 87 होता है, यानी कि 29 3 जा 87, 29 2 जा क्या बन जाएगा 58 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या BE,
ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया आपका BE की वैल्यू आ गई, यानी कि ये वैल्यू आ गई 58 × √3 मीटर। जो बैलून है वो कितना चल के गया यहाँ से यहाँ तक, 58 × √3 मीटर। इस तरीके से आपका जो 14th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ।